मैं शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बेटे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड कर रहे हैं और हाइड्रोस्टैटिक के बिल्कुल लास्ट पे हैं। 5% हाइड्रोस्टैटिक रह गया, लेकिन हमने जैसे शुरू में देखा था कि जितनी भी प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक हाइड्रोस्टैटिक में, हाइड्रोडायनेमिक में। अभी हम हाइड्रोस्टैटिक की दो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जिसमें एक हमने प्रेशर पढ़ा है और दूसरा हमने सरफेस टेंशन पढ़ा। अगर इजियर वे में बोलूं तो सरफेस टेंशन और प्रेशर दो हाइड्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज हैं, दो हाइड्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, किसी भी फ्लूइड की। ठीक, अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि सरफेस टेंशन जो एक लिक्विड की प्रेशर लिक्विड की बल्क की प्रॉपर्टी है, और सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। और हमने ये भी देखा कि भाई दोनों किसी लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल के पास और उसके बल्क के मॉलिक्यूल के पास दोनों के पास एनर्जी सेम नहीं होती, दोनों के पास प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, ठीक ठीक है, और एनर्जी का लेवल भी सेम नहीं होता। जो सरफेस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थी उसको हमने सरफेस एनर्जी दिया, और वहीं से हमने शुरुआत में हमने कुछ न्यूमेरिकल भी देखे थे। और यहाँ पे शुरू करते हैं बेटा, एक अच्छे न्यूमेरिकल के साथ मैं बात करूंगा। अब तक हमने जो निकाला है, एक तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमने निकाला है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये लेंथ मैं यहाँ पे एक स्टार बना देता हूँ क्योंकि लेंथ कंडीशनल थी, और लेंथ कंडीशनल क्यों थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ये कह देगा सोल सॉल्यूशन है तो आपको इस L को क्या लेना है, 2L लेना है। और 2L क्यों लेते हैं, क्योंकि सोप की दो फिल्म होती है, सोप की दो फिल्म बनती है, सोप बबल की मोटाई जो होती है, सोप सॉल्यूशन की जो फिल्म होती है उसकी मोटाई होती है, ठीक। तो आपको हमेशा क्या लेना है, 2L लेना है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार बना दी, कंडीशन है। यूनिट भी आपने देखी, दैट इज न्यूटन पर मीटर होती है, ठीक। और एक फॉर्मूला हमने और निकाला था, वो था सरफेस एनर्जी का। और सरफेस एनर्जी क्या थे, जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उनके पास जो एनर्जी होती है उसे सरफेस एनर्जी कहते हैं। सरफेस एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर डेल्टा यू से, चेंज इन सरफेस एनर्जी भी कह सकते हैं आपको, या आप इसको डेल्टा डब्ल्यू भी कह सकते हैं, बात एक ही है, वर्क डन इन एनर्जी। और इसका फॉर्मूला हमने निकाला था, दैट इज ई इज इक्वल टू, यानी सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इन टू चेंज इन एरिया, ठीक। अगर यूनिट निकालने बैठ जाए इसकी तो इसकी यूनिट क्या निकाल पाएंगे, यूनिट इज इक्वल, यूनिट क्या होगी इसकी बेटे, सरफेस टेंशन यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, यूनिट हो गई हमारी न्यूटन मीटर। दूसरा हमने एक चीज और देखी कि हर लिक्विड की, हर लिक्विड का सरफेस टेंशन सेम नहीं होता, सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन अलग होता है, लिक्विड के आपके वाटर का सरफेस टेंशन अलग होता है। और सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आप लिक्विड को भी, लिक्विड की यूनिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आप लिक्विड को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। तो शुरुआत करके हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने पढ़ लिया था, तो एक छोटे से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल है आपके पास, केवल पिछले का रिविजन करने के लिए आपके पास, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे आज अच्छी चीजों के साथ। कि आपके पास एक फ्रेम है बेटे, वायर का फ्रेम है, ये वायर का फ्रेम है, हमने ऐसा कुछ किया भी था, और यहां पर पी क्यू जो पार्ट है वो मूवेबल है। इसकी ये लेंथ जो है, आप उसको कह सकते हैं लेंथ जो है, दैट इज योर 10 सेंटीमीटर, और ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है। आपने इस पर इसे सोप सॉल्यूशन में डाला और यहां पर क्या बन गई, एक फिल्म बनी हुई है। इसका सरफेस का सरफेस टेंशन हमने पढ़ा था 0.03 न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर था। हमने इस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स बनाई और इसका सरफेस एरिया हमने चेंज कर दिया, ठीक है। ये जो चेंज हुआ है दैट इज 1 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर है। मैंने आपको ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ये कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आपको निकालना है। फाइंड फर्स्ट पार्ट वर्क डन, ठीक, और दूसरा चेंज इन सरफेस एरिया, दैट इज डेल्टा ए निकालना है आपको, और आपने वर्क डन निकालना है, वर्क डन कह लो, ठीक है। 2 मिनट लगाएं, 1 मिनट लगा के करें इसको, कैसे कैसे करेंगे।
वर्धन का मतलब क्या है? वर्धन का मतलब है आपको निकालनी है सरफेस एनर्जी, ठीक है? ठीक, और इसका फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था, इसके बराबर था सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला था। सरफेस एनर्जी फर्स्ट पार्ट करें, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला था एस इंटू डेल्टा ए। तो एस हमें गिवन थी 0.02 और डेल्टा ए हमें निकालना है। अब डेल्टा ए अगर निकालें तो डेल्टा ए इसके बराबर है। डेल्टा यहाँ पे क्या है, शायद ये जो चेंज हुआ है ये तो हमारा डेल्टा ए है, तो डेल्टा ए किसके बराबर हो गया? डेल्टा ए इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये जो चेंज हुआ है ये वाला क्या, क्योंकि लेंथ तो अभी भी कितनी है भाई, लेंथ तो इतनी अभी भी 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितनी हो गई, इंक्रीज कितना हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो चेंज इन एरिया किसके बराबर हो गया, 10 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर, चेंज एरिया पता चल गया। या तो एक तरीका था हम पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं फिर छोटा रखते हैं, बात जरूर क्या करने की, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। चेंज इन एरिया कितना है, पहिए वाला, और इसकी इसका इसकी लेंथ कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो चेंज इन एरिया आ गया, और चेंज इन एरिया अगर आ गया तो ये निकाल लो कि कितना हो गया एस, एस कितना था 0.03 इंटू चेंज इन एरिया दैट इज 10 बाई 100 इंटू 100। पॉइंट हटाया नीचे 100, एक जीरो कैंसल आउट, कितना आ गया बड़ा 3 इंटू 1, 2, 3, 4, 5 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन मीटर। And that is the formula for Wolgan. तो दो पार्ट निकालना था, ये पार्ट भी निकल चुका है हमारा फर्स्ट, ये भी हमारा सेकंड पार्ट निकल चुका है। चेंज इन एरिया निकालना था, चेंज इन एरिया भी हमने निकाल लिया, दैट इज 10 बाई 100 और 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। एक पार्ट हमें ये निकालना था और एक पार्ट हमें निकालना था सरफेस एनर्जी। क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक। चलिए अब मुझे आप एक नेक्स्ट मेरिकल करते हैं बेटे, फाइन द सरफेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द रेडियस ऑफ अ सोप बबल फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। कितनी सरफेस एनर्जी लगेगी क्या करने के लिए, एक रेडियस चेंज करने के लिए सोप बबल की फ्रॉम 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और शायद मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जो फिक्स है सोप सॉल्यूशन की इसका सरफेस टेंशन हम जानते हैं, सोप सॉल्यूशन सोप बबल का सरफेस टेंशन आपको गिवन है 0.03 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं जो हमने कर लिया है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये क्लियर होगा आप लोगों को, इसको हटा देते हैं। करें, दो मिनट लगाएं, अपने आप करने की कोशिश करें इसको। फॉर्मूला, फाइंड द सरफेस एनर्जी टू चेंज द रेडियस ऑफ अ सोप बबल फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। आप इसकी रेडियस चेंज करना चाहते हैं 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, डेफिनेटली रेडियस चेंज करते ही सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। दो मिनट लगाएं करें, फिर देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका चेंज इन सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, और चेंज इन सरफेस एरिया का मतलब है दैट इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर हमारे पास 5 था यानी 25 और स्मॉल आर हमारे पास 2 था यानी 4। कितना आ गया, 4 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21 दैट इज योर चेंज इन एरिया। लेकिन ये किसमें आपके पास रहेगा, ये किसमें आपके पास सेंटीमीटर में आएगा, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं डिवाइड बाय 100 इनटू 100 और ये आपके पास हो गया मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया चेंज इन एरिया। अब रह गया सरफेस एनर्जी निकालनी है, तो सरफेस एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, E इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन हमें गिवन था 0.03, चेंज इन एरिया था 4 इनटू 22 बाय 7 इनटू 21 बाय 100 इनटू 100 न्यूटन मीटर। देखा आपसे पॉइंट हटाया नीचे 100 और शायद आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, 7 × 7, 7 × 3 = 21, ठीक है, कितना आ गया, E इज इक्वल टू कितना हो गया 3 × 3 = 9 × 4 = 36 इंटू 22, ठीक है, डिवाइडेड बाई है 2 × 4 = 6, कितना आ गया 72 और 7 = 79, कितना आ गया हमारे पास 792
है, इंटू 10^-6 न्यूटन मीटर। बाकी आप पॉइंट लगाना चाहें तो मर्जी आपकी, डन ठीक है, कर लेंगे। यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक है। अब करते हैं बेटे एक आईआईटी, आईआईटी 2014 में क्वेश्चन आया, ठीक है, आईआईटी 2014 में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन ये था, बहुत समझने वाली बात है कि आपके पास एक ड्रॉप है या बबल, एक ड्रॉप है आपके पास, एक बड़ी ड्रॉपलेट है और इसका रेडियस, इसका रेडियस आपके पास, ये आपके पास वाटर की ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस कैपिटल आर जो है दैट इज 10^-6 मीटर का है, 10^-6 मीटर का इसका रेडियस है, ठीक है, क्लियर। एक बड़ा आपके पास है, बड़ा वाटर ड्रॉपलेट है और इसका हम जानते हैं सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन वाटर ड्रॉपलेट इतना है, रेडियस इतना है। अब क्या किया हमने, हमने मैं इसको हटा देता हूं, हमने इस ड्रॉपलेट से फ्रॉम द बिगर ड्रॉपलेट, फ्रॉम द, मैं लिखता हूं फ्रॉम द बिगर ड्रॉपलेट 1000 ड्रॉपलेट ऑफ वॉटर इज फॉर्म्ड। आपने इस 10^-6 मीटर से आपने 1000 ड्रॉपलेट तैयार करी, आपने तोड़ करके 1000 ड्रॉपलेट तैयार की, ठीक है, आपको निकालना है फाइंड द सरफेस एनर्जी, आपको निकालना है सरफेस एनर्जी, डेफिनेटली सरफेस बाय चेंज इन सरफेस, चेंज इन सरफेस एनर्जी, डेफिनेटली ऐसा करने में सरफेस एनर्जी लगी होगी क्योंकि एक बड़ा ड्रॉपलेट था उसमें से आपने छोटे छोटे 1000 ड्रॉपलेट तैयार की। तो आपको बताना है ये फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, डेफिनेटली वही सरफेस एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक, 2 मिनट लगाए सोचे उसके बाद बताएं करेंगे, मैं देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा एक लॉजिक है और एक लॉजिक क्या है, फॉर्मूला तो हमें वही लगाना है, E equals to S into change in area, घबराने की जरूरत नहीं होती है, IIT 2014 में अगर बहुत बड़ी ट्रोप हो गया ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग की बात है, दिक्कत है डेल्टा ई की। और सबसे बड़ी बात है हमें कैपिटल आर तो गिवन है 10^-6 मीटर लेकिन स्मॉल आर जो ड्रॉपलेट तैयार हुई उनका एरिया नहीं है। और मैं आपको बताऊं बेटे अगर लेकर चलोगे तो सिंपल सी बात है, आपके पास पहले एक ड्रॉपलेट थी, केवल एक ड्रॉपलेट थी, इसका सरफेस एरिया था। अब सोचो इसमें से अगर मैं कई हजार बना दूं, 1000 ड्रॉपलेट तैयार करूं, डेफिनेटली उनका एरिया क्या आएगा, सरफेस एरिया, एक का एक होगा, दूसरे का दूसरा, 4 पाई आर स्क्वायर, 1000 का करोगे तो उसका नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर मैं इसका चेंज इन सरफेस एरिया निकालूं तो फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ऑफ 1000 ड्रॉपलेट माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई में कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 1000 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। दिक्कत यह है कि स्मॉल आर तो है ही नहीं हमारे पास, अब स्मॉल आर को करने के लिए बेटे कहां से लाएं स्मॉल आर, फिर चाहे कुछ भी है जो जैसे हम मैथमेटिक्स में करते थे कि आपने एक सिलेंडर को पिघलाकर स्फीयर बना लिया तो क्या चीज होती थी, कहते ना सिलेंडर को पिघला के आपने एक कोन बना दिया, ये बना, तो मैथमेटिक्स में भी आप एक काम कर रहे हैं, 10th क्लास में आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि आपने एक सिलेंडर लिया मेटल का उसको पिघला के आपने कोन बना दिया, तो उस समय क्या रहता है वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या रहता है सेम, भाई उसी से तो फॉर्मेशन करी कोन वोन की, तो हमेशा वॉल्यूम क्या रहता है सेम रहता है। तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉपलेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट, भाई वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना दोनों का, तो कितना हो गया 4/3 πr³ इज इक्वल टू 1000 इंटू 4/3 π स्मॉल आर क्यूब, कैंसल आउट r³ इज इक्वल टू
1000 इंटू स्मॉल आर क्यूब। मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आर इक्वल टू 10 आर कैसे आया, बताने की जरूरत नहीं है भाई। 10 का क्यूब सिंपल, यानी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई बेटे, स्मॉल आर की वैल्यू हो गई आर बाई 10 मीटर। बस हमारा काम हो गया खत्म। यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना निकल गया, डेल्टा इज इक्वल टू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। अब आर कितना है हमारे पास, आर स्क्वायर बाई 10 यानी 100 हो जाएगा ये, इंटू 1000 माइनस, ठीक, कैंसल आउट, डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 पाई 10 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कितना आ गया बच्चे, डेल्टा ए कितना हो गया हमारे पास 4 पाई इंटू 9 आर स्क्वायर, यानी डेल्टा ए इज इक्वल टू 9 4 36, 36 इंटू 22/7, ठीक, इंटू आर, और स्मॉल आर कितना था 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6, ठीक, कितना आ जाएगा जो भी आपके पास ये आ गया हमारे पास, देखा से डेल्टा ए आपका निकल गया इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। बस अब क्या बचा, यानी डेल्टा ए इज इक्वल टू 36 इंटू 22 बाई 7 इंटू 10 की पावर -12 मीटर स्क्वायर। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कर ही लोगे आप, अब डेल्टा ए अगर निकल गया कर लेंगे, अब तो डेल्टा ए निकल गया, मेन बात की थी डेल्टा ए की, अब डेल्टा ए निकल गया तो सिंपल पुट कर दो फॉर्मूले में, क्या कितना आ गया, एस कितना है, एस हमें कितना बस 0.07 इंटू डेल्टा ए, और डेल्टा ए कितना है हमारा 36 इंटू 22/7 इंटू 10 की पावर -12, कितना आ गया, पॉइंट हटाओ नीचे कितना है 100, ठीक, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल, सॉरी कैंसिल आउट नहीं होगी, सॉरी कितना आ जाएगा -12 -14 कितना आ जाएगा -14, तो कितना आ गया भाई, कितना हो गया 36 टू 72, ठीक है 36 टू 72 और 7 79 इंटू 10 की पावर -14 कितना न्यूटन मीटर, क्या निकल गई हमारी सरफेस एनर्जी। बस लॉजिक कहीं नहीं था, केवल लॉजिक था स्मॉल आर में निकालने में कि स्मॉल आर कैसे कैलकुलेट करोगे, और वो कैसे किया हमने, सिंपल सा आंसर लगा के कि दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, दोनों के वॉल्यूम से स्मॉल आर निकाल लिया और फिर हमने चेंजेस सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया। देखें एक बार, बस देख के बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। मैं मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो ये कुछ क्वेश्चन थे देखें जो आईआईटी वगैरह में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर वही बोलूंगा आप लोगों से, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, तो आप कोई भी कॉम्पिटिशन को ब्रेक कर सकते हो, लेकिन हर टॉपिक का, इसलिए मैं आपको साथ साथ न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, ताकि आपको आप उन अच्छे क्वेश्चन को अगर आपके सामने आ जाए तो आप उनको कर पाए, लॉजिकल भी उन चीजों को और कॉन्सेप्चुअली भी आप उन्हें इन चीजों को जोड़ पाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज और पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज और पढ़ी थी, मॉलिकुलर फोर्सेस, और हमने देखा था कि दो तरीके के मॉलिकुलर फोर्सेस थी, एक थी एडहेसिव फोर्स और एक थी हमारे पास कोहेसिव फोर्स, और शायद मैं ज्यादा एक्सप्लेन आपको किया था, एडहेसिव थी जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, और कोहेसिव फोर्स थी जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगती है। और आज हम जो करने वाले हैं, मैं ये कहूंगा इस इनकी एप्लीकेशन करने वाले हैं, एप्लीकेशन ये कहां काम करेंगे। इसमें अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज और कराई थी आप लोगों को इसको समझाने के लिए, और शायद मैंने अगर याद हो तो मैंने यूज किया था ग्लास और वाटर का एग्जांपल लिया था मैंने, और ग्लास मर्करी का एग्जांपल लिया था, ठीक, मैंने दो एग्जांपल पेश किए थे, और ग्लास और वाटर में मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए, अगर मैं एक बार बड़े भी कर दूं आप लोगों को, कि क्योंकि आज इसकी एप्लीकेशन करनी है हमें, इसको कम करना है, कि ये बीकर है आपके पास, ये ग्लास का बीकर है, मैं दोनों ले लेता हूं, ग्लास का बीकर ले लो, ग्लास की टेस्ट ले लो, व्हाट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक इट, ठीक है, एंड दिस बीकर, वन इज फिल्ड विद वॉटर
while the other is filled with mercury. And we very well know that mercury does not stick to the glass. ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि mercury does not stick to the glass. ठीक? But what is the reason behind it? पहले हम यहाँ पे इसको ध्यान करेंगे. तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो interaction है, basically these water molecules are in contact with two different molecules. पहले अगर मैं बात करूँ, एक इन मॉलिक्यूल इन वॉटर मॉलिक्यूल एंड वॉटर मॉलिक्यूल दे आर इंट्रैक्टिंग विद ईच अदर एंड दे आर ऑफ सेम नेचर. तो इनके बीच में जो लग रही है दैट इज कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स एक फोर्स को जो लग रही है वो वॉटर मॉलिक्यूल के बीच में लग रही है. दूसरी फोर्स एक और लग रही है बिटवीन वॉटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल. तो कंटेनर ग्लास का बना हुआ है और वो ग्लास मॉलिक्यूल दो तरह के मॉलिक्यूल ग्लास कंटेनर और आपके वाटर मॉलिक्यूल के बीच में. और हम यहां पे कहेंगे कौन सी फोर्स लग रही है दैट इज योर एडहेसिव फोर्स. और एक चीज और लग रही है वैसे हम तो कंसिडर नहीं करते लेकिन हाँ मानना तो पड़ेगा कि इसके मॉलिक्यूल एक कॉन्टेक्ट में और है दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और इन दोनों बीच में भी लगेगी दैट इज एडहेसिव फोर्स. तो पूरे सिनेरियो में बेटे तीन तरह की फोर्सेस हैं. और मर्करी और एयर के मॉलिक्यूल के बीच में भी लगेगी. ठीक. तो ये दैट वॉज ऑल अबाउट द यूज ऑफ एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स. लेकिन आज हमें कुछ डिफरेंट चीज को स्टडी करना है और वो ऑब्जर्वेशन थे. लेकिन अभी भी इससे हमारा ये निकल के नहीं आ पाया कि मर्कुरी जो है वो वॉल ऑफ कंटेनर से क्यों नहीं स्टिक हो रहा. हाँ हमने देखा हाँ भाई यहाँ पे अलग मर्कुरी इसके अंदर है तो मर्कुरी का मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के इन दोनों के बीच में क्या होती है क्योंकि ये स्टिक नहीं करता तो इन दोनों के बीच में एडहेसिव फोर्स नहीं लगती. लेकिन इसके सरफेस का मर्करी का ड्रॉपलेट एयर से कॉन्टेक्ट में तो शायद यहाँ एडहेसिव लगे इसके अंदर के मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव लगे. लेकिन एक मर्करी मॉलिक्यूल और ग्लास के बीच में कोई भी फोर्स एक्शन नहीं कर रही है जो कि ऊपर वाटर में करती है. लेकिन आज का क्वेश्चन ध्यान समझिएगा क्या ये मर्करी के ही साथ एप्लीकेबल है तो मैं कैसे पहचानूंगा. तो बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है और मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट करता हूं अगर मैं आपको कुछ करने के लिए बोल रहा हूं तो दैट इज एनहेंसिंग योर नॉलेज. मुझे अगर ये सारी याद है चीजें क्योंकि जब मेरे टीचर ने मुझे बताई होगी तो शायद मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ. जब मुझे कोई चीज पता चलती है तब तो मैं टीचर पे भी भरोसा नहीं करता. इसलिए मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए थे. मैंने कहा था प्लीज करके देखे जब मौका मिले तब कर लो. ठीक है तो आज मैं आपको फिर एक एक्टिविटी बता रहा हूँ उसे करके देखना है आपने और उसको जजमेंट पर भी डालना है जो मैं कह रहा हूँ. देखो मेरे पे कभी विश्वास मत करो. मैंने हमने कहा मेरे पे विश्वास कभी नहीं करना. ठीक करके देखो और अपना जजमेंट दो. और आज जो हम स्टडी करने वाले हैं बेटे वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. दैट इज दो चीजें हमें यहाँ पे समझने को मिलेगी क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें समझनी है. आज बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा. जैसे जो आपका वाटर का ड्रॉपलेट है जो बिगर ड्रॉपलेट होता है बेटे अगर उसे आप जमीन में डाल दो अगर ड्रॉपलेट को आप वाटर में बड़ा ड्रॉपलेट है वाटर का तो अगर आप उसे जमीन में डालोगे ना तो बेटा कुछ वो ऐसा नजर आएगा. दैट इज अ वाटर ड्रॉपलेट. जैसे आप उसे सरफेस पे डालोगे ये सरफेस है आपका इसे पे सरफेस पे डालोगे उसका बेस जो है ना वो चिपक जाएगा एंड दैट इज बिग वाटर ड्रॉपलेट. लेकिन अगर आप मर्कुरी का ड्रॉपलेट लोगे ना दैट विल फॉर्म अ ग्लोब्यूल. ग्लोब्यूल मतलब ओवल शेप से कहते हैं ग्लोब्यूल बनना. ये दैट इज अ ग्लोब्यूल ऑफ मर्कुरी. और ये मर्कुरी का ड्रॉपलेट है दैट विल नॉट स्टिक टू द. लेकिन सवाल ये कि इसकी ओवल शेप क्यों हुई और ये शेप ऐसी क्यों है.
ये भाई ये वाटर की शेप ऐसे क्यों हुई और इसके ये ऐसे क्यों है, ठीक। और यहां पर आज हम जो बात करने वाले हैं वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, एक सॉलिड एंगल और दूसरा दैट इज सॉलिड एंगल, या सॉलिड एंगल या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं हम इसको, आप इसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लिखेंगे तो जनरल आपकी बुक में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और दूसरा बात करेंगे यार मेनिस्कस की, ठीक है, मेनिस्कस एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। आपको इस बार का आंसर मिला, मैंने एक बार पहले भी आपसे पूछा था कि हम रेनकोट क्यों पहनते हैं, हम रेनकोट क्यों पहनते हैं जब उसमें वाटर ड्रॉपलेट गिरती है तो एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक। अब इससे इन्हें करने से पहले आज इसकी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को करने से पहले एक छोटा सा और टॉपिक हमें करना है और जिसका लॉजिक होगा, और जिसका लॉजिक क्या है बेटे, दैट है मैं बुकिश भाषा करूंगा, बुकिश भाषा का इस्तेमाल करूंगा लेकिन लॉजिक समझाऊंगा इसका, और दैट इज प्रेशर इनसाइड अ प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल एंड लिक्विड ड्रॉपलेट। सोप बबल क्या, प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल एंड लिक्विड ड्रॉपलेट, कितना प्रेशर होता है एक सोप बबल के अंदर। उस दिन भी मैंने बताया था, उस दिन भी बल्कि मैंने करके भी दिखाया था आप लोगों को, अगर मैं बबल बनाता हूं, सोप बबल बनाता हूं तो वो एयर इनसेट, वो एयर से क्या हो गया, उसके अंदर क्या है, हवा है, हमें फिट करके फट जाएगा, एकदम फट जाएगा। तो सवाल ये है कि उसके अंदर का, अगर देखो अगर भार का अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता, बहुत प्रैक्टिकल है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता तो डेफिनेटली आप खुद सोचो वो बबल बन ही नहीं पाता। बबल बन पाता, नहीं बन पाता, क्यों, फुलाने से पहले क्या हो जाता, तो फूट जाता। लेकिन वो एयर में क्या होता है, बाउंस करता है, एयर में क्या करता है, एयर में बाउंस करता है और उसके बाद एक जाके उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो पंचर हो जाता है। लेकिन हमें ये निकालना है कि अगर मेरे पास एक वाटर बबल हो, यानी वाटर का बना हुआ बबल हो या वाटर ड्रॉपलेट हो, वाटर की ड्रॉपलेट ही मैं कहूंगा, वाटर का आप या ड्रॉपलेट हो और एक आपके पास सोप बबल हो तो उसके अंदर प्रेशर कितना हो। लेकिन सवाल ये कि इसमें प्रेशर इनसाइड, मेन बात ये कि इसमें क्यों कहा गया प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल एंड लिक्विड ड्रॉपलेट, ये क्यों नहीं कहा गया प्रेशर आउटसाइड द सोप बबल। क्या किसी बबल में, किसी ड्रॉपलेट में अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है एक्सटर्नल से, भाई तभी हम कह सकते हैं प्रेशर इनसाइड। तो इस चीज को देखते हैं अपने उन सब चीजों से जो हमने अभी तक पढ़ी है, हमने सरफेस टेंशन पढ़ा है, हम उसी लॉजिक से इसको करेंगे जितनी बातें हमने अभी तक पढ़ी है, ठीक। अब इसको मैं ध्यान समझो, सपोज करते हैं बेटे, मैं इसको हटा देता हूं यहां से और एक ही गति करते हैं, होता क्या, और बेटे यहां से बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, अगर ये बात समझ आए तो कहीं भी अप्लाई कर लेना इसको। बस कंसिडर करता हूं, मैं करता हूं मेरे पास एक ये रहा, अब ये मेरे पास बबल है और इट कैन बी ऑफ एनीवन, ये सोप का हो सकता है, ये वाटर का हो सकता है, आई डोंट नो किसका है, मुझे नहीं पता, ठीक है, बबल है, ठीक है। और इस बबल पे मैं जानता हूं, मैं इस पे वो फोर्सेस निकालता हूं जो इस पे एक्ट कर रही है, ठीक है, मैं फोर्सेस निकालता हूं, एक फोर्स जो इस पे एक्सटर्नल से लग रही है, जो फोर्स कौन, जो एटमॉस्फेयर लगा, जब प्रेशर भी कह सकते हैं, एरिया इस पे है तो प्रेशर भी कह सकते हैं, वो जो बाहर से प्रेशर लग रहा होगा, ठीक, इस ड्रॉपलेट पे एक एटमॉस्फेयर की प्रेशर या फोर्स कह सकते हैं वो लग रहा है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा एक और फोर्स लगता है, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था सरफेस टेंशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी एक फोर्स और लगती है जो सरफेस टेंशन की वजह से लगती है, वो अंदर की तरफ लगेगी या बाहर की तरफ, वो अंदर की तरफ लगेगी बाहर की तरफ। देखो एक एक करके कर लेते हैं, देखो एक तो ये है, एक तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर लगा रहे हैं फोर्स इस पर अंदर की, उसी समय इसके अंदर
ये अंदर से भी एक फोर्स लग रही है, अंदर भी से भी एक फोर्स लगा रहे हैं, कौन? जो एयर, यानी फोर्स इनसाइड, एक फोर्स इनसाइड से बाहर की तरफ लग रही है, बाहर की तरफ लग रही है, जो कौन लगा रहे हैं? इसके अंदर के मॉलिक्यूल, ठीक है। एक फोर्स इनसाइड इनसाइड लग रही है और एक फोर्स बाहर से लग रही है, ठीक है। दो फोर्स हो गई, अंदर के मॉलिक्यूल भी फोर्स बाहर की तरफ लगा रहे हैं, ठीक, और बाहर वाले मॉलिक्यूल भी इसी तरफ लगा रहे हैं, लेकिन एक फोर्स और भी लग रही है, और वो फोर्स कौन सी होती है? सरफेस टेंशन की। और सरफेस टेंशन हमने पढ़ा था कि वाटर की ड्रॉपलेट गोल होती है या सोप बबल गोल होता है, दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन क्या होता है? हम कहते हैं मॉलिक्यूल क्या चाहते हैं, मिनिमम एरिया लेना चाहते हैं, तो अंदर की तरफ लगेगी या बाहर की तरफ? मिनिमम एरिया किस तरफ किधर लगे? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ लगेगी, अंदर की। तो सर एक और फोर्स लग रही है बेटे, दैट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो इनसाइड ही की तरफ, जो क्या लग रही है? अंदर की तरफ ही लग रही है, दैट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो कितनी फोर्सेस काम कर रही है? फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल, फोर्स ड्यू टू इनसाइड मॉलिक्यूल, एंड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब जरा निकालो, जरा लगाओ, जरा मैथमेटिक्स जैसे अभी तक करते आए हो, लगाओ। जो अंदर की तरफ आ रही है, दैट इज फोर्स एक्सटर्नल प्लस फोर्स क्या ड्यू टू सरफेस टेंशन, लेकिन हमारी जो इनसाइड फोर्स है, ठीक है, तो लगाओ जरा, देखो एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, सरफेस टेंशन में फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, लेकिन इनसाइड फोर्स बाहर की तरफ, और दैट इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या पढ़ा था? क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि अब तो ये और एक्सपैंड भी नहीं हो रहा और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा, तो हमारी क्या हो गया? हमारी क्या जीरो, यानी इक्विलिब्रियम आ चुका है, नेट फोर्स कितनी है? जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है, ना अब बबल एक्सपैंड कर रहा है और ना ही क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस समय एफ नेट कितना है? जीरो। तो हमने एफ नेट जीरो कर दिया, एफ इन अंदर की तरफ लग रही थी, सरफेस टेंशन वाली फोर्स भी अंदर की तरफ लग रही थी, लेकिन इनसाइड वाली फोर्स बाहर की तरफ लग रही थी, इसलिए हमने अपोजिट साइन करके जीरो कर दिया। अब लगाएं जरा ध्यान से, देखो बेटे, जरा ध्यान से देखो, एफ एस इज इक्वल टू कितना आएगा? एफ इनसाइड माइनस एफ, या अभी इसको ऐसे देखो, इसको यहां पे ध्यान दो जरा, क्या आएगा? क्या आएगा बेटे? फोर्स इनसाइड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, फोर्स इनसाइड माइनस फोर्स ड्यू टू आउटसाइड इन एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई डाउट? लिख सकते हैं ना, कोई डाउट तो नहीं है भाई? फोर्स इंटरनल माइनस फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ एस। तो कौन बड़ी है, इंटरनल बड़ी है, या अगर मैं मान लो भाई फोर्स है, अगर इन इन सबको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू ए, एफ ई इंटू ए, एफ एस इंटू ए। भाई एरिया तो सेम ही रहा ना बबल का, एरिया से, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेशर ड्यू टू इनसाइड माइनस प्रेशर ड्यू टू आउटसाइड। मैं आउटसाइड ही लिख देता हूं, मतलब आउटसाइड ही आ रहा है तो आउटसाइड ही लिख देता हूं, आउटसाइड प्रेशर, ठीक है ना, आउटसाइड, ये लो आउटसाइड, मैं लिख दिया एफ एक्सटर्नल, मतलब एफ आउटसाइड, बार बार आउटसाइड याद आ रहा है ना, आउटसाइड, ठीक। प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो कौन बड़ा है, इनसाइड प्रेशर बड़ा या आउटसाइड प्रेशर बड़ा है? इनसाइड प्रेशर बड़ा या आउटसाइड प्रेशर बड़ा है? इनसाइड, डेफिनेटली। क्या इनसाइड प्रेशर किसके बराबर है? प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन प्लस प्रेशर ड्यू टू आउटसाइड, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, और इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं इस बात को दूसरा रूप देने वाला हूं, अभी क्या बोला मैंने, पहले इधर समझो, प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड, इनसाइड का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है आउटसाइड का। यही रीजन है बेटे, यही रीजन है कि हमने जब डेरिवेशन किया तो उसका उस टॉपिक को नाम क्या दिया गया किताब में, दैट इज एक्सेस ऑफ प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड इनसाइड बाय सोप बबल, चाहे सोप बबल ले लो चाहे लिक्विड ड्रॉप ले लो। क्यों बोला? सवाल ये नहीं है जिसके अंदर निकालना है, हमने कहा एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड। अभी हमने ये रिसर्च करी कि एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ही क्यों निकाला है उसने, क्यों? क्योंकि इनसाइड प्रेशर ज्यादा होता है किससे? आउटसाइड से, इसलिए हमेशा इनसाइड प्रेशर लेते हैं। अब मेरी बात समझना, पेपर में कंपटीशन में बेसिकली मैं बता रहा हूं आपको, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो प्रेशर डिफरेंस आता है, जो प्रेशर डिफरेंस आता है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो आपको दिख रहा होगा कि जो प्रेशर का डिफरेंस आया है दैट इज ड्यू टू
surface tension, that is due to surface tension. भाई surface tension की वजह से तो आया जो आया, आया नहीं आया, किसकी वजह से आया? जो pressure का difference आया है वो किसकी वजह से आया? surface tension की वजह से आया। भाई देखो अगर surface tension ना लग रही होती तो inside is equal to outside हो जाता, लेकिन surface tension आ गई इसी वजह से क्या हुआ, हमारा pressure का difference आने लगा। clear clear clear। तो जो pressure का difference आता है that is जो pressure liquid जो bubble में जो droplet में जो pressure का difference आता है that is due to surface tension। clear। तो एक बात और आ गई, पहली बात निकल के आई कि भाई देखो प्रेशर इनसाइड में ज्यादा होता है, दूसरी बात जो प्रेशर का डिफरेंस होता है दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब तीसरी बात कंपटीशन वाली बात, कंपटीशन में हम लोग क्या समझाते हैं? मेरे ख्याल में मुझे ये बताने की तो कम से कम जरूरत नहीं है कि किसको हम इनसाइड बोल रहे हैं, किसको हम आउटसाइड बोल रहे हैं, क्योंकि कई किताबों में ऐसे लिखा रहता है इसलिए बता रहा हूं ये इनसाइड है आउटसाइड है। बेटा देखो ये क्या है, वो ये ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट है या बबल है, व्हाटएवर यू वांट टू, ठीक है। इसको शायद कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं, कहते नहीं कॉन्वेक्स साइड, इसको क्या कहते हैं कॉन्वेक्स साइड, और इसको क्या बोलते हैं कॉनकेव साइड, बोलते नहीं बोलते हैं? भाई इसको बोलते हैं ना कॉनकेव, भाई आपने क्या पढ़ा है ना इसको, इसको अंदर वाली साइड को क्या बोलते हैं yes, sir. और बाहर वाली साइड को क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड। तो कई बुक में ये फॉर्मूला जो लिखा रहता है ना बेटे मेजरली, कई बुक में ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा रहता है, प्रेशर इनसाइड यानी प्रेशर एट कॉनकेव साइड माइनस प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऐसे भी क्लियर हुआ, क्लियर है? प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन करें आप लोग, ठीक मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये होती है आपकी कॉनकेव साइड और ये होती है बेटे कॉन्वेक्स साइड। बहुत याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इसको कहते हैं कॉनकेव साइड, पता होगा कॉनकेव, मैं वो लाइट वाले चैप्टर पढ़ते थे ना कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये वाली जो साइड होती है बेटे इसको कॉनकेव साइड कहते हैं, इसको कॉन्वेक्स साइड कहते हैं। तो इसी को प्रेशर इनसाइड, इनसाइड को क्या बोला कॉनकेव, तो प्रेशर कॉनकेव माइनस प्रेशर कॉन्वेक्स इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसी बुक में अगर ये लिखा हुआ है तब भी बात एक है, लेकिन याद रखिएगा कॉनकेव साइड पर हमेशा प्रेशर क्या होता है ज्यादा होता है, कॉनकेव साइड पर प्रेशर ज्यादा होता है, जिसका मतलब एक ही है प्रेशर एट कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। आई बात समझ, इस बात को याद रखिएगा, क्लियर क्लियर। अब हमें जो निकालना है बेटे, अब हम उस डेरिवेशन को करेंगे, डेरिवेशन करेंगे एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। पहला अभी हम हमने ये निकाला कि भाई इसमें एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड क्यों बोला गया, क्या इनसाइड ज्यादा होता है? तो हमने यहां में देख लिया भाई देखो इनसाइड प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। सवाल अब ये कितना होता है, जो प्रेशर का डिफरेंस आता है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर आता है, जो ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, या फिर आप प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या है एक्सेस ऑफ प्रेशर, जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है वो कितना होता है, एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना होता है, तो बबल में कितना होता है और हमारे पास लिक्विड ड्रॉप में कितना होता है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आपके पास होगा, कॉन्सेप्ट सारा यही यूज करेंगे। सपोज करते हैं बेटे कॉन्सेप्ट, हमें आप इसको नाम देता हूं, डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग इसको, दैट इज एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड आवर लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। सपोज करते हैं बेटे, मैं इसको टॉपिक बना दे, डेरिवेशन फॉर एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड आर लिक्विड। कंसिडर करते हैं बेटे, कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ड्रॉपलेट है, ठीक है, और इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस क्या है कैपिटल आर है, इसकी सरफेस टेंशन
एस है, ठीक। और अंदर के प्रेशर की वजह से, अंदर क्या लगा, अंदर के प्रेशर की वजह से, यानी आपके इंटर प्रेशर जो है, आपके इंटरनल प्रेशर की वजह से इसका रेडियस क्या कर जाता है, ड्यू टू क्या होता है, इसका रेडियस डेल्टा आर क्या कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया, क्या हो गया, डेल्टा आर इज द इंक्रीज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस, सॉरी चेंज इन रेडियस को लिख लेते हैं, चेंज इन रेडियस। आर क्या है हमारी, इनिशियल रेडियस, ठीक है। अब करके लेकर चलते हैं बात, अब एक एक करके लेकर चलते हैं। सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन इन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होने में कितना वर्क डन हुआ, एक्सपेंशन होने में कितना वर्क डन हुआ, ठीक। डी डब्ल्यू लिख लेते हैं, या डेल्टा डब्ल्यू डी डब्ल्यू, क्योंकि छोटा सा ही डेल्टा, छोटा सा, बहुत हल्का सा रेडियस हुआ है, बड़ा नहीं, मैंने बड़ा बनाया, इतना बड़ा है नहीं, तो हल्का सा, बहुत हल्का सा रेडियस। वर्क डन क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, दैट इज डेल्टा आर। फोर्स भी क्या हुआ है, अब फोर्स, फोर्स इनटू डेल्टा, और फोर्स हम कौन सी फोर्स लेंगे, कौन सी फोर्स लेंगे बेटे, फोर्स कौन सी है यहाँ पे, फोर्स तो एक ही थी, एक फोर्स जो एक्सटर्नल आउटसाइड से लग रही थी, एक फोर्स जो इनसाइड से लगी है, फोर्स जो आउटसाइड से लगी है और फोर्स इनसाइड से, और वो क्या था हमारे पास, फोर्स इनसाइड माइनस फोर्स आउटसाइड इज इक्वल टू डेल्टा आर। देखा हमने, स्टेप क्लियर होगा, फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स कितनी लग रही है हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू नेट फोर्स इनटू चेंज, और चेंज कितना है, डेल्टा आर, और नेट फोर्स कितनी लगती है, अभी हमने लिखा था, एफ नेट किसके बराबर होती है, एफ नेट बराबर होती है इनसाइड माइनस आउटसाइड, ठीक, यही तो होती है नेट। अब कितनी आई, अब मैं अगर मैं कहूं तो फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो क्या लिखें, वर्क डन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू कितना, कितना हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड इनटू एरिया माइनस प्रेशर ऑफ आउटसाइड इनटू एरिया इनटू डेल्टा आर, ठीक है, ठीक। अच्छा अब कितना आ गया, ये हमारे पास हो गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी, कितना हो गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट इनटू एरिया, इनटू एरिया, और एरिया कितना है, एरिया कितना हो गया, फोर पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा आर, देख सकते हैं 4 बाई आर स्क्वायर, सब में आ गया, 4 बाई आर स्क्वायर क्या है, ड्रॉपलेट का एरिया कितना होता है, 4 बाई आर स्क्वायर। अच्छा अब बेटा इसको डी डब्ल्यू लिख लो, और या फिर यह हमारे पास डी डब्ल्यू, ठीक है, ये तो वर्क डन हुआ है एक्सपेंशन होने में। लेकिन अब में हमने एक चीज और पढ़ी थी बेटे, अगर आपको याद हो तो सरफेस, मैं यहां पर लिख देता हूं, सरफेस एनर्जी पढ़ी थी हमने, ये सरफेस एनर्जी नहीं थी, ये थी चेंज इन सरफेस एनर्जी, जो किसके बराबर थी, E या dW, एक ही बात, वर्क डन के बराबर, ये किसके बराबर थी, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक, और सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया के बराबर थी। तो अगर मैं यहां पे निकालूं तो dW या E इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब बच्चे जो चेंज इन एरिया होगा वो चेंज इन एरिया किसके बराबर होगा, चेंज इन एरिया किसके बराबर होगा, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, ये तो होगा चेंज इन एरिया, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। भाई चेंज इन एरिया कैसे निकलेगा, बड़ा वाले का रेडियस कितना हो गया आर प्लस डेल्टा आर, और इसका कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। जरा करो जरा इसको बेटे, एस 4 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और निकाल, और ये 4 पाई आर स्क्वायर, इसको बेटे अंदर मल्टीप्लाई करो, एस कितना जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर,
4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, कोई डाउट? चले आगे, और जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे, निगलेक्टिंग डेल्टा आर स्क्वायर बीइंग वेरी स्मॉल, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब हमने डेल्टा आर स्क्वायर को निगलेक्ट क्यों कर दिया? डेल्टा आर क्या था? चेंज इन रेडियस और चेंज इन किसी भी, हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, अगर आप 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो शायद 0.01 हो जाएगा। यानी अगर आप एक स्मॉल रेडियस को, अगर आप एक स्मॉल रेडियस को का स्क्वायर, जितने छोटी चीज का स्क्वायर करते हैं बेटे, वो उतनी ही ज्यादा क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर ये डेल्टा आर स्क्वायर हम इसीलिए निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि डेल्टा आर तो वैसे ही छोटा है, और इसका भी हम स्क्वायर, जितना आप इसे बढ़ाते चले जाओगे उतना ही ये क्या होगा, छोटा होता हुआ चला जाएगा, इसलिए हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। अब बचा कितना? dw इक्वल्स टू s, और अंदर कितना बचा? ये कैंसिल आउट हो गया था, ये हमने निगलेक्ट कर दिया, बचा कितना? 8 पाई r डेल्टा r, ये हमारे पास है 8 पाई r इन r इनटू डेल्टा r, और ये भी dwl, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो भाई ये तो वर्क डन किया सरफेस एनर्जी ने, ये वर्क डन किया था इंटरनल प्रेशर ने। अब हम इन दोनों को इक्वेट करें, मैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं कहां लिख रहा हूं, प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा, इक्वेटिंग 1 and 2 करो, 1 and 2 को इक्वेट करते, क्योंकि ये भी वर्क डन है और ये भी वर्क डन है। कितना आ गया? P इनसाइड माइनस P आउटसाइड 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू एस इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर, बेटा जो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल हो, डेल्टा आर से डेल्टा आर गया, आर से आर गया, 4 पाई से 8 पाई गया तो 2 रह गया। कितना आ गया? P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू 2s, क्योंकि यहां से r स्क्वायर से r बाकी था हमारा, 2s बाई r, और शायद इसी को हम बोलेंगे एक्चुअली। प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर दीजिए आप लोग, pi माइनस p आउटसाइड कितना निकला? 2s बाई r। 2s बाई r का मतलब क्या बेटे? P इनसाइड माइनस p r, यानी एक्सेस ऑफ प्रेशर जो निकला हमने, हमारा टॉपिक क्या था? एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड, तो एक्सेस ऑफ प्रेशर pi माइनस p आउटसाइड, जो एक्सेस ऑफ प्रेशर निकला that is equal to 2s by r. So pi minus p naught क्या था? Excess of pressure inside a liquid drop. Excess of pressure in a liquid drop is equals to 2s by r होता है। कितना होता है बरा? 2s by r. अगर मैं कहूँ बताओ इसके अंदर कितना प्रेशर होगा? इसके अंदर कितना प्रेशर है? एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर है? निकाल लो। P inside किसके बराबर होगा? P outside plus 2s by r. और आउटसाइड का प्रेशर किसकी वजह से होता है? क्षेत्र किसके आउटसाइड प्रेशर किसकी वजह से लगता है? किसी चीज में आउटसाइड प्रेशर किसकी वजह से लगता है? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, हम पहले कई बार निकाल चुके हैं भाई, किसी भी टेस्ट के ऊपर से खुली होती है तो बाहर से जो प्रेशर लगता है वो किसके बराबर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, 1.013 × 10 के बराबर। क्लियर है? तो किसका हो गया? तो इनसाइड प्रेशर कितना है? पी नॉट प्लस 2s बाई r। और स्टार्ट में मेरी बात यहां पे समझ लेना, समझ लेना, ये जो p इनसाइड है ये p प्रेशर ड्यू टू प्रेशर इन कॉनकेव साइड भी है। अगर मैं कहता बताओ इस के कॉनकेव साइड में कितना प्रेशर है, तो इतना ही तो इनसाइड को एकदम कॉनकेव बोलते थे, याद आ गया? ये तो लिखा था हमने, p कॉनकेव माइनस p कॉनवेक्स इज इक्वल टू 2s / r। तो मेन बात ये है कि एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर होता है, भाई एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर का डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू 2s / r। क्लियर? एनी डाउट? एक बार देख लो आप, फिर आगे मूव करूंगा। तो सर मैं बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया। That is excess of pressure inside a soap bubble. अब मैं बिल्कुल यहां पे कोई चेंज नहीं करने वाला, बस इसी को आप ये मान लो। अब आप इसको हल्का सा चेंज करना है, देखो इसी को आप क्या मान लो कि ये क्या था, ये आपके पास एक सोप बबल है, सब कुछ वही, ये सोप बबल है, इसकी सरफेस टेंशन एस है, इसमें इंटरनल प्रेशर की वजह से चेंज किया हुआ डेल्टा आर में, सब कुछ हुआ, बस कहां चेंज आ गया? देखो हमने आपको बताया था, हमने केवल आपको ये चीज बताई थी कि सोप बबल की दो लेयर्स होती है, बस यही तो फर्क होता है भाई। भाई सोप में, सोप के पास क्या होती है? दो लेयर्स होती है जो एक्सपेंड करेंगी, वो कितनी लेयर करेंगी? दो एक्सपेंड करेंगी। एक्सपेंड कितनी करेंगी? दो लेयर एक्सपेंड करेंगी। तो होगा क्या? बस कुछ नहीं करना है आपको पूरे डेरिवेशन में, बिल्कुल सेम
बिल्कुल सेम, बट यहाँ पे आपके पास जो आपके पास यहाँ पे आया, जो आपके पास यहाँ पे आना है बेटे, दैट इज आपके पास जो पूरा कंप्लीटली यहाँ पे आते पूरा सब कुछ कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ पर आपने बिल्कुल ये सेम, बस यहाँ पर आपने क्या करना है बेटे, एस इंटू सब कुछ वैसी का वैसी, बस केवल एक काम करना है, केवल आपको क्या करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है आपको थ्री से, इंटू टू इंटू टू इंटू टू, बस। और ये इक्वेशन हो गई जी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू 16 पाई आर डेल्टा आर, बस। और यहाँ पे हम जो टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो टू से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, टू से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं, इंटू टू इसलिए कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बेटे ये सो बबल है और सो बबल की दो फिल्म होती है, बस। और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ वैसे का वैसे ही किया मैंने, इंटू टू कर दिया, क्यों, क्योंकि दो लेयर है। अब कितना आ जाएगा खुद सोचो, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई। अब इक्वेशन वन और टू को इक्वेट करूंगा तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 16, ये कितना हो गया 4 था 16, तो यहाँ पर कितना आ गया 4s by r, कितना आया, जैसे यहाँ पे 2s by r आया था तो बबल के लिए कितना आ गया बेटे 4s by r आ गया, क्लियर क्लियर क्लियर। मैं क्या दोबारा रिपीट एक बार कर देता हूँ आपको बेटे, आपको कुछ नहीं चेंज करना, केवल और केवल एक काम करना है, सरफेस एनर्जी में जो जो आया है तो डेल्टा ए, इसमें 2L सरफेस टेंशन किसमें लगेगी, दो लेयर, तो टॉप के दो लेयर होती है, तो इंटू टू कर देना है आपने, इंटू टू कर दिया आपने, यहाँ पे 16 आ गया, आपने यहाँ पे रख दिया और बिल्कुल सेम डेरिवेशन, बस सिंपल सिंपल देखो, बिल्कुल सेम डेरिवेशन, केवल इंटू टू कर दिया, और वो क्यों कर दिया, क्योंकि सोप बबल की दो लेयर होती है, तो कितना निकल के आया बेटे कि सोप बबल के अंदर एक्सेस ऑफ प्रेशर होता है 4F by R, और ड्रॉपलेट के अंदर होता है 2F by R, क्या सोप बबल के अंदर, सोप बबल के अंदर एक्सेस ऑफ प्रेशर होता है दैट इज 2F by 4F by R, सॉरी 4F by R, और लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू 2F by R, इस बात को याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा प्रेशर का मतलब है P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, यानी P मैं बार बार बोल रहा हूँ, P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स, P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स इज इक्वल टू जो भी होगा प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, प्रेशर ड्यू टू सरफेस, ये 4F by R क्या है, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन इन सो बबल, 2F by R क्या है, प्रेशर ड्यू टू सरफेस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था भाई प्रेशर का डिफरेंस इसकी वजह से आता है सरफेस टेंशन की प्रेशर की वजह से, और वो किसके इक्वल है, यहाँ पे सो बबल में 4F by R के बराबर है और लिक्विड फॉर्म में वही 2F by R के बराबर है, बताएं बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। The next topic जो हमें स्टडी करना है दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज फर्स्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दूसरा आपके पास दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और दूसरा आपके पास है दैट इज मेनिस्कस, और तीसरा हम यहां बात करेंगे कैपिलैरिटी, जो इन दोनों की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है कैपिलैरिटी की भी अपनी एक एप्लीकेशन है, ठीक। मेन बात ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है और होगा क्या, ये है क्या चीज, होता क्या ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट और ये सब और ये मेनिस्कस है क्या, क्या इसमें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का कोई लेना देना है, तो सबसे पहला वर्ड आप जो अपने दिमाग में समझो वो है मेनिस्कस। बहुत सारे क्वेश्चन है व्हाट इज मेनिस्कस, मैं आपने करना क्या है, आपने मैंने कहा जो कहूंगा उसे करके देखे, आप एक काम कीजिएगा एक कांच का ग्लास लेना, और कांच का ग्लास कह रहा हूं तो कांच का ग्लास ही रखना क्योंकि उसमें चीजें देखेंगे देखने में आराम से आ जाए, एक कांच का ग्लास लेना और उसमें पानी भर देना, उसमें पानी भर देना जितना तुम भर सको, जब तुम्हें लगे पूरा ग्लास भर चुका है उतना पानी उसमें भर देना, ठीक है, ठीक। जब तुम्हें पानी भर गया है पूरा टॉप तक भर गया है तब उसको छोड़ देना। अब क्या करना है, एक स्पून लेना, अब क्या लेना है एक स्पून लेना है, एक स्पून लेना है और उस स्पून से वॉटर एड करना है, वॉटर एड, भाई आपके हिसाब से ग्लास पूरा भर चुका है, आपके हिसाब से ग्लास पूरा भर चुका है, ग्लास में जगह नहीं है बिल्कुल, और अब आपने क्या करना है एक चम्मच से पानी लेना है
और एड ऑन करना है। आप ये फाइंड आउट कर पाओगे, ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि जब आपने कहा था ना ग्लास पूरा भर चुका है और जब आप पानी ऐड कर रहे हो तो पानी बाहर आ ही नहीं रहा, उसमें और पानी आप ऐड कर पा रहे हो जबकि आपके हिसाब से ग्लास पूरा भर चुका है। ठीक, ग्लास पूरा भर चुका है और उसमें जो है आपको लग रहा था इसमें पानी अब और ऐड होगा ही नहीं, तो लेकिन जब आपने स्पून से पानी थोड़ा ऐड किया उधर ऐड हो गया, और थोड़ा ऐड करोगे थोड़ा और भी ऐड हो जाएगा। सवाल है पानी अब ऐड क्यों हो रहा है, क्या मेरी कहीं ऑब्जर्वेशन गलत थी? तो मेरी ऑब्जर्वेशन गलत। अब क्या करना है, अगर उस ऑब्जर्वेशन को देखना चाहते हो तो उस ग्लास को उठाना बेटे और बिल्कुल अपने आई कॉन्टेक्ट में ले आना, जैसे जैसे लैब में केमिस्ट्री जब प्रैक्टिकल करते होंगे आप लोग तो टेस्ट ट्यूब को देखते होंगे, आप लोग टेस्ट ट्यूब में जब पानी डालते थे कोई केमिकल डालते थे फिर उसके सरफेस को देखते थे, तो बिल्कुल आई कॉन्टेक्ट में उस ग्लास को ले आना, कांच के ग्लास को, और उसके सरफेस को विजुलाइज करना एक पानी से भरे हुए। एक चीज नजर आएगी बेटे, एक चीज बहुत अच्छी तरह नजर आएगी आपको, मैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब भी बना देता हूं, ठीक है, आप ये देख पाओगे कि इसका सरफेस ना, इसमें मैंने वाटर भरा हुआ है, ठीक है, मैंने वाटर भरा हुआ है, जब इसे आप आई कॉन्टेक्ट पे लेकर आओगे, जब आप इसे आई कॉन्टेक्ट पे लेकर आओगे ना बेटे, तो यहां देखना, तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो है ना, ये जो वाटर का सरफेस है ये फ्लैट नहीं था, ये फ्लैट मेरे हिसाब से मुझे ऊपर से नजर क्या आ रहा था ये कि बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, इसलिए मैंने कहा था मैं इसको थोड़ा नीचे मारता हूं, ये ऐसे है। तो जब मुझे ये लग रहा था कि भाई अब इसके अंदर और पानी ऐड नहीं होगा, तब मैंने जब इसे स्पून से पानी ऐड किया तो वो ऐड हो गया। रीजन क्या था बेटे, वो आपको जब आप इस पॉइंट देखोगे कि ये दिखाई देगा आपको कि भाई इसमें जिसे आप फ्लैट मान के चल रहे थे वो एग्जैक्टली फ्लैट नहीं था, उसके ऊपर एक क्या बन रखा था, ये ऐसे, यानी इसको क्या कहते हैं, ये इसे कहते हैं दैट इज नोन एज क्या, कॉनकेव मेनिस्कस। ये जो बना, ये जो आपको दिखाई दिया बेटे, जो यहां पे आपको दबा हुआ नजर आया, एक हल्का सा कर्व नजर आया जिसमें आप वाटर ड्रॉपलेट तो वो वाटर ड्रॉप बाहर क्यों नहीं गिरा, क्योंकि जब आपने स्पून से पानी ऐड किया तो यहां पे जगह बाकी थी तो वो वाटर यहां ऐड होता हुआ चला, और ये नजर आएगा बिल्कुल साफ नजर आएगा, ठीक है, बिल्कुल साफ नजर आता है बेटे, ये बिल्कुल अलग। तो ये जो बना, अब ये देखो बेटे, ये वाटर ड्रॉपलेट था, बहुत ध्यान से बनना, ये वाटर था, तो इसमें आपको ये मेनिस्कस ऐसा दिखाई देगा, दैट इज कॉनकेव मेनिस्कस। लेकिन अगर टेस्ट ट्यूब में, अगर किसी टेस्ट ट्यूब में आप मरकुरी भर दें, अगर आप इसमें मरकुरी भर दें, मान लीजिए आपने इसमें क्या भर दी, मरकुरी भर दी, तो यही मेनिस्कस, यानी यही इसका जो सरफेस है, इसका सरफेस जो होता है वो आपके कॉन्वेक्स, वो आप क्या नजर आता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस नजर आता है। मेरी बात समझ रहे हैं, ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस, यानी ये इसका जो सरफेस है वो आपको आउटर ऐसे उभरा हुआ नजर, इसका सरफेस जैसे डिप नजर आया अंदर की तरफ नजर आया, वैसे इसका सरफेस आपको इस तरीके से नजर आएगा। एंड दिस बल्जिंग पार्ट, जो ये कर्व बनता है, द कर्व फॉर्म्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज मेनिस्कस। ठीक, क्लियर, क्लियर। जो ये आपको इसका रीजन क्या है, वो रीजन ये भी समझाएंगे कि जो लिक्विड सरफेस के सरफेस पर जो आपको जो कर्व नजर आए, ये जो कर्व नजर आया इसको मैनेज कर कहा जाता है, और ये दो तरीके का, ये कॉनकेव है वाटर के लिए
और वो भी वाटर, मैं वाटर में लिख देता हूँ, वाटर कौन सा वाटर, दैट इज वाटर कौन सा, ये प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इम्प्योर वाटर, प्योर वाटर नहीं होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं बेटे, क्योंकि मेनिस्कस बेसिकली तीन तरह के मेनिस्कस बनते हैं। एक मेनिस्कस होता है आपके पास कॉन्वेक्स मेनिस्कस, एक होता है कॉनकेव मेनिस्कस, तीसरा मेनिस्कस पर नहीं बोलूंगा उसे, इसे नेचर ऑफ सरफेस बोलूंगा, सरफेस। और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनका सरफेस प्लेन सरफेस होता है, यानी उनके अंदर ना कॉनकेव बनता है ना कॉन्वेक्स बनता है। उन लिक्विड को अगर आप देखोगे तो उनका सरफेस आपको क्या दिखाई देगा, बिल्कुल सीधा नजर आएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कर्व नहीं बन रखा होगा। एग्जाम्पल है, अगर आप प्योर वाटर को, प्योर वाटर इन ग्लास और इन सिल्वर वेसल, आप एक चांदी के ग्लास में प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर को दो, तो आपको दिखाई देगा उसका जो सरफेस बनेगा ना बेटे, उसमें किसी प्रकार वो कैसा होगा, प्लेन होगा, वो प्लेन होगा, उसमें मैंने तैयार ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप ग्लास में मरकरी को लोगे तो अभी रीजन समझाऊंगा, दैट इज कॉन्वेक्स मेनिस्कस। और वाटर को अगर आपने प्योर वाटर लिया है तो उसका मेनिस्कस जो दिखाई देता है वो कॉनकेव दिखाई देता है। अब मेरी बात को ध्यान समझना, इस चीज को, ये तो है लिक्विड का सरफेस, यहाँ ये लिक्विड का सरफेस है, यहाँ ये लिक्विड का सरफेस है, यहाँ ये लिक्विड का सरफेस है। तो इसका दो रीजन मैं आपको बताऊं, इसके दो रीजन आप मान सकते हो, देखो हमें पता है कि इसके अंदर कौन है, इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या है हमारे पास, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल, ठीक। और यहां आउटसाइड से एक प्रेशर लग रहा है, दैट इज प्रेशर ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल, वो प्रेशर यहां भी लग रहा होगा और वही प्रेशर यहां भी लग रहा होगा। भाई अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो प्रेशर तो यहां भी वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, दैट इज प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। दूसरी बात, ठीक, अब मेरी बात समझना, बहुत ध्यान समझना बेटे, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, प्रेशर ड्यू टू एयर, वो एक ही बात है, एटमॉस्फेयर मींस एयर मॉलिक्यूल, यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है। लेकिन लेकिन एक सिंपल एग्जांपल, अगर आपके पास प्रेशर ड्यू टू एयर इज ग्रेटर देन प्रेशर ड्यू टू वॉटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल से नहीं बोलूंगा, किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल, किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल, कोई जरूरी नहीं वाटर हो, हमने एग्जांपल वाटर का जरूर लिया है, लिक्विड मॉलिक्यूल अगर होता है, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है, एयर के मॉलिक्यूल का प्रेशर ज्यादा है, तो डेफिनेटली एयर पे से जो मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे और वाटर को अंदर की तरफ दबा देंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा बेटे, जो कॉनकेव मेनिस्कस तैयार होता है। दूसरा रीजन यहाँ पे, दूसरा जो है यहाँ पे कॉन्वेक्स क्यों बना, अगर प्रेशर ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल अगर लेस है हमारा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल के प्रेशर से एयर का प्रेशर कम हो जाए तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल अंदर से क्या करेंगे, इस सरफेस को पुश कर देंगे, जैसे यहाँ पे नीचे दब गए थे वैसे यहाँ पर इसके लिक्विड मॉलिक्यूल से ऊपर प्रेशर कर देंगे, इनका प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पर तैयार हो जाएगा कॉन्वेक्स मेनिस्कस। That is one of the reason for explaining this meniscus. ये meniscus क्यों बनते हैं? Convex meniscus, concave meniscus इसलिए बनता है क्योंकि air molecule के या vapors के molecule का pressure ज़्यादा हो जाता है liquid molecule के pressure से, वो liquid कोई भी हो सकता है, कोई भी liquid, हमें decide करना होता है तो इसमें concave बनेगा convex। अब वही वाले question आप मन में आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि concave कहाँ बनेगा और convex कहाँ बनेगा? तो बेटा मैं आसान तरीका आपको बताऊंगा, मैं अभी रीजन भी दूंगा सारी बातों के, जहां आपको दिख रहा होगा वाटर के अंदर कॉनकेव मेनिस्कस बना और वाटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है, इट स्टिक्स टू द वॉल ऑफ ग्लास या कंटेनर। जो लिक्विड मेरी बात समझ रहे, जो लिक्विड, मैंने कहा प्रूव करूंगा इस बात को, जो लिक्विड कंटेनर से चिपक जाएगा, जो लिक्विड, जैसे यहाँ पे ग्लास कंटेनर है,
अगर मैंने इसमें एक ऐसा लिक्विड डाला जो चिपक गया, जो वॉल से चिपक गया जैसे वॉटर, तो डेफिनेटली जो मेनिस्कस तैयार होता है दैट इज कॉनकेव मेनिस्कस. क्या होता है? हमेशा कॉनकेव मेनिस्कस तैयार होता है. ठीक ठीक. क्या अगर आपके पास कोई ऐसा लिक्विड है जो लिक्विड वॉल ऑफ कंटेनर से चिपक गया तो हमेशा उसका मेनिस्कस कॉनकेव होता है. और अगर ऐसा मॉलिक्यूल है, अगर कोई ऐसा लिक्विड है, लिक्विड विच डज नॉट स्टिक टू द कंटेनर, तो उसका मेनिस्कस हमेशा कॉन्वेक्स तैयार होता है. क्या होता है? कॉन्वेक्स. तो दिखा होगा आपने, मैंने यहां पे एग्जांपल मर्करी का लिया था, और मर्करी स्टिक नहीं होता, अगर स्टिक नहीं होता तो डेफिनेटली इसका मेनिस्कस कॉन्वेक्स था. जबकि इम्प्योर वाटर वाटर से स्टिक हो जाता है, इसी वजह से इसका मेनिस्कस कॉन्केव तैयार हुआ. दूसरी बात, यहां पर एग्जाम्पल देता हूं. यहां क्या होता है? अगर एटमोस्फेयर प्रेशर, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मॉलिक्यूल के प्रेशर से इक्वल हो जाए तो इसका मेन मेनिस्कस तैयार होता है. तो इसको बिल्कुल हटा दो. लेकिन अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है कि सर मुझे कैसा पता चलेगा कि इसमें कॉन्केव बनेगा कॉन्वेक्स, तो एक बार जानने काफी आपके लिए कि क्या वो कंटेनर की वॉल से चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है. अगर वो चिपक रहा है तो आप बोलिए सर इसका मेनिस्कस कॉन्केव तैयार होगा, और अगर वो नहीं चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है वॉल ऑफ द कंटेनर से, तो उसका मेनिस्कस हमेशा कॉन्वेक्स तैयार होगा. क्लियर? यहां पर कोई भी डाउट हो प्लीज बताएं. अभी आपने लिखा था, अभी आपने एक बात लिखी थी, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज इक्वल टू, अगर ये वॉटर है तो 2F/R. अब हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, अब हमने ये प्रेशर का डिफरेंस ही तो है. अगर मैंने कहा कि आपका, अब खुद देखो, अगर मैंने कहा इसका प्रेशर इनसाइड का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, यानी इनसाइड प्रेशर इज लेस देन आउटसाइड प्रेशर. आउटसाइड प्रेशर किसकी वजह से होता है भाई? ओके, हमने कहा इनसाइड प्रेशर इज लेस देन, तो डेफिनेटली ये प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा साहिल? अगर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो सर. अगर हमारा इनसाइड प्रेशर, अगर इनसाइड प्रेशर जैसे इसमें हो रहा है, यहाँ पे देखो अगर मेरा इनसाइड प्रेशर, इनसाइड प्रेशर क्या हो गया ना, कम हो गया था ना. मैंने कहा इस अगर मेरा इनसाइड प्रेशर कम हो जाए आउटसाइड प्रेशर से, तो मेरा ये जो फॉर्म में 2F/R, यानी प्रेशर ड्यू सरफेस टेंशन, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? क्लियर है? यस सर. प्रेशर इनसाइड अगर ये कहें तो प्रेशर इनसाइड में डेफिनेटली नेगेटिव आएगा. और नेगेटिव का मतलब क्या होता है यार? डिप्रेशन भाई. नेगेटिव का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन. तो देखो यहाँ पे डिप्रेशन ही तो आया है, ये डिप्रेशन ही तो है नहीं? और अगर मैं कहता प्रेशर इनसाइड बड़ा है प्रेशर आउटसाइड से जो यहां हुआ, तो डेफिनेटली मेरा प्रेशर ड्यू सरफेस टेंशन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा. और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? बल्जिंग. देखो ये बल्जिंग हो रहा है. आई वाज में नहीं है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? सब पता है. यस सर. अगली बात करते हैं. मेरी बात को समझ लेना बहुत ध्यान से, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है. ठीक. एक इसमें मैंने और लिखा था एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से, जिससे एंगल है थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट. अब ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? वट इज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? आप टेंजेंट ड्रॉ करो, आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, टेंजेंट दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं आपने. एक टेंजेंट ड्रॉ करना है आपने, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है आपने जो सॉलिड सॉलिड कॉन्टेक्ट, लिक्विड के मॉलिक्यूल और सॉलिड जो कॉन्टेक्ट में उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है. ठीक है. एक आपने टेंजेंट यहां ड्रॉ किया, यहां पर ये सॉलिड कॉन्टेक्ट में था, इसके यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया आपने लिक्विड के मेनिस्कस पर. तो इसका लिक्विड का मेनिस्कस ये रहा, एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दिया. क्या? एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, कहा टेंजेंट ड्रॉ किया, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं ऐसे करके क्लियर हो जाएगा. एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने सॉलिड के कॉन्टेक्ट, जो सॉलिड कॉन्टेक्ट उस पर, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने मेनिस्कस पर. इन ये क्या है? दैट इज टेंजेंट एट मेनिस्कस, और यहां टेंजेंट ड्रॉ किया टेंजेंट एट सॉलिड इन कॉन्टेक्ट.
इन दोनों के बीच में जो एंगल बनाना बेटे, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जरा यहां ड्रॉ करो, जरा यहां ड्रॉ करो, यहां पे ड्रॉ करो, एक एक इस पर, इसको हटा रहा हूं। एक तो कहां ड्रॉ करना है आपने? एक तो ड्रॉ करना है आपने सॉलिड इन कॉन्टैक्ट, यानी ये बन गया सॉलिड इन कॉन्टैक्ट, सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। और एक ड्रॉ करना है किस पर? मेनिस्कस पर। तो ये क्या हो गया? दैट इज, ये बना टेंजेंट, टेंजेंट एट मेनिस्कस, टेंजेंट एट मेनिस्कस। और यहां टेंजेंट ड्रॉ, ये कौन सा है? टेंजेंट विथ सॉलिड, यानी ये एंगल क्या बना? यहां पर बना। क्लियर? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? एंगल इज, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट द मेनिस्कस एंड विद द टेंजेंट एट द सॉलिड इन कॉन्टेक्ट। ठीक। अब जरा मुझे बताओ, ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? एंगल ऑब्ट्यूज, एक्यूट है सर? एक्यूट, एक्यूट। बेटा यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पर जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, है नहीं है? यानी कैसा है? एक्यूट है। और यहां पर एंगल कैसा है? यहां पर एंगल कैसा है बेटे? ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कैसा है? साइड ऑब्ट्यूज है, यानी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है या नहीं है? या नहीं? यस सर। ये एक और पहचान है, ये एक और मे भी बात मैथमेटिकली प्रूव। यार हम मैथमेटिकली बात ही नहीं कर रहे, और मैं लेकिन मैथमेटिकली भी बात करेंगे। अगर आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट होगा, अगर आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, अभी रीजन आपको बिल्कुल भी वेरीफाई करूंगा, अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट होगा तो डेफिनेटली आपका मेनिस्कस कॉनकेव होगा। क्या होगा? एक्यूट होगा तो मेनिस्कस हमेशा क्या होगा? कॉनकेव होगा। और अगर आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑब्ट्यूज होगा तो मेनिस्कस आपका हमेशा कॉन्वेक्स होगा। क्या होगा? हमेशा कॉन्वेक्स होगा। डन डन। क्या बोला मैंने? अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट होगा तो मेनिस्कस कॉनकेव, और अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आपका ऑब्ट्यूज हुआ तो डेफिनेटली कॉन्वेक्स। अब मेरी बात समझना बेटे, अब बहुत ध्यान समझना मेरी बात। हमने शुरुआत की थी, एक क्वेश्चन हमने कहा था कि ये वाटर की ड्रॉपलेट है और ये मर्कुरी की ड्रॉपलेट है। ठीक है? ठीक। ये सरफेस है हमारा, ये आपकी वाटर की ड्रॉपलेट है, ये मर्कुरी की है। जरा देखना, जरा बेटा ध्यान से देखना, क्या ड्रॉ करना होता है? हमें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट किस किस के बीच बनता है? एक लिक्विड जिस कॉन्टेक्ट में है, यानी ये रहा एक टेंजेंट, तो ये बनेगा जिसके कॉन्टेक्ट में, जिस सरफेस के कॉन्टेक्ट में है, जैसे वहां पे ग्लास से था। और एक ड्रॉ करना था कहां पर? जो मेनिस्कस बन रहा था, ड्रॉपलेट का मेनिस्कस तो ये बन रहा है, शायद ये थीटा हो गया, जरा उसमें ड्रॉ करो। एक जिसके कॉन्टेक्ट में है, एक तो ये हो गया, और एक कौन सा हो गया जो मेनिस्कस पे बनेगा। दिख रहा है कुछ? मर्कुरी में कैसा बना? फाइव मर्कुरी में कैसा बना? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज बना, बना। अच्छा, यहां पर कैसा बना एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट? एक्यूट, एक्यूट बना। यार एक और आंसर हो गया ना। एक अगर अब यहां से एक चीज और पता चल गई ना भाई, जिसका एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूज बनता है वो तो स्टिक ही नहीं करता, स्टिक टू सरफेस नहीं होता। कहां बनता है? जो भी स्टिक नहीं करते उनका हमेशा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑब्ट्यूज ही बनेगा, और जो स्टिक कर जाएंगे उनका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा एक्यूट ही बनेगा। आई बात भाई, वॉटर ड्रॉपलेट फर्श में चिपक जाती है, वॉटर ड्रॉपलेट फर्श में चिपक जाती है। अगर चिपक जाती है भाई, चिपक गई तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आपका एक्यूट बन गया, एक्यूट बन गया, खत्म बात। तो मेनिस्कस कैसा बनता है? हम कहते हैं ना इसमें मेनिस्कस कैसा बनता है, कैसे बनेगा? ये कॉन्केव मेनिस्कस बना है बनेगा, और यहाँ पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक। तो अगर मैं आपको पहली चीज याद रख लो, अगर मैं ये पूछूंगा भाई, मैंने इसे टेस्ट में डालूंगा, बताओ उसका कॉन्केव बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा, तो सबसे पहला आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए
क्या सर ये टेस्ट ट्यूब से चिपकने वाला है या नहीं? मैंने कहा नहीं चिपकेगा। आप कहो सर इसका जो मेनिस्कस तैयार होगा ना वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस तैयार होगा। हमने कहा अच्छा बताओ अगर मैं इसे ड्रॉपलेट डाल दूं, अगर जमीन पे डाल दूंगा इसकी ड्रॉपलेट, ये चिपक नहीं रहा था, अगर मैं ड्रॉपलेट जमीन पे डाल दूंगा तो सर ग्लोब्यूल तैयार होगा या ड्रॉपलेट तैयार होगा? मेरी बात सुनना, ये ग्लोब्यूल है। ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल मतलब क्या होता है? ग्लोब्यूल मतलब जो ग्लोब्यूल जो स्टिक नहीं करता, ओवल शेप का। मैंने कहा इसे जमीन में डालूंगा तो ग्लोब्यूल बनेगा या ड्रॉपलेट बनेगी? हमने कहा ग्लोब्यूल बनेगी, चपटेगी नहीं। क्यों? चपटेगी, चिपकेगी नहीं। अब मैंने पूछा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कैसा बनेगा? हमने कहा सर देखो चिपक नहीं रहा तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बनेगा इसका? ऑब्ट्यूज ही बनेगा, ये एक्यूट नहीं बनेगा। आई बस में नहीं आई, आई या नहीं आई? जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कि भाई ये बताओ हम रेनकोट क्यों पहनते हैं? अरे वाटर की ड्रॉपलेट जब मेरे रेनकोट पे गिरेंगी, जब रेनकोट पे गिरेंगी तो डेफिनेटली एक्यूट एंगल बनाएंगी या ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगी? एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल रेनकोट के साथ? ऑब्ट्यूज एंगल भाई, तभी तो पानी अंदर नहीं आ रहा भाई, जो रिपल कर जाएगी, जो रिपल जो चिपकेगी नहीं। अगर रेनकोट पे चिपकती नहीं तभी तो पानी अंदर नहीं आ रहा। अगर 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 टकरा के वापस ना जाएं, टकरा के वापस रिपल ना करें तो डेफिनेटली पानी अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब रेनकोट के साथ वाटर ड्रॉपलेट कौन सा एंगल बनाती है? भाई डेफिनेटली रेनकोट के साथ पॉलिथिन के साथ वो एंगल ऑब्ट्यूज बनाती है, जिसकी वजह से वो स्टिक नहीं हो पाता। आई बस में नहीं आई? ठीक, फिर रह गया लिक्विड। यस सर, लिक्विड का सरफेस। मैं सारे क्वेश्चन को जवाब दे रहा हूँ, जो पहले से मैंने क्वेश्चन रखे थे उन सारी बात के जवाब दूंगा मैं, सारी बात के जवाब। भाई रेन ड्रॉप डालते चिपटी क्यों हो गई? भाई स्टिक कर गई, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट हो गया, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट हो गया। भाई जो चिपकने वाली चीज होती है हमेशा एक्यूट एंगल तैयार करती है। क्लियर या नहीं हुआ? या नहीं हुआ बताएं मेरे को, सबको सारी बातें बताएं। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम यहीं रोकेंगे। उम्मीद है आज का प्रायोर लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिन पॉइंट पे मैंने फोकस आउट करने के लिए कहा है उन्हें आप ध्यान से करें क्योंकि वो कॉम्पिटेट लेवल के लिए पार्ट है। और प्लस इस कैपिलैरिटी राइज को समझने के लिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसको समझने के लिए इन सारे टॉपिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कब बनेगा, कॉन्केव मेनिस्कस कब बनेगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस कब बनेगा और कब ऐसा क्यों होता है, ये सारी समझने को अच्छी तरीके से लेक्चर को देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में डाल के जरूर पूछ लीजिए, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक को समझ सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।